अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर उमर अरशद फ्रॉम बेंटन सॉल्यूशंस और आज मैं आपसे शेयर करूंगा वो पांच हैबिट्स, वो पांच आदतें जिनको अगर आप अपना लें तो दांतों और मसूड़ियों में कम से कम प्रॉब्लम में आप मुब्तला होंगे। ये आज की जो वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं और कुछ चीज़ें आपके लिए न्यू होंगी, तो इन फाइव हैबिट्स को आपने फॉलो करना है। नंबर वन इज़ वेरी ऑब्वियस कि दांतों की सफाई का, इनकी क्लीनिंग का, ओरल हाइजीन का ख्याल रखना, सुबह और रात दो टाइम ब्रश करना, ब्रश की एंगल क्या होना चाहिए, टेक्निक क्या होना चाहिए, इस पे हम पहले काफ़ी बात कर चुके हैं, इंशाल्लाह मैं दोबारा भी बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ इसको मेंशन कर रहा हूँ कि हमें ब्रश करना है अपने दांतों को और जुबान को साफ करना है सुबह और रात दो टाइम। नंबर टू, ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग होता है कि जो ऑयल्स होते हैं वो अगर हम अपने मुंह में उसको थोड़ी देर के लिए रखें तो जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं फूड के वो उसके साथ स्टिक कर जाते हैं और जो बैड बैक्टीरिया हैं वो भी उसके साथ स्टिक कर जाते हैं और वो हमें मुंह से बाहर फेंकने में आसानी हो जाती है। करना क्या है कि कोई सा भी ऑयल लेना है, मस्टर्ड ऑयल, सेसमी ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोई सा भी ऑयल लेके थोड़ी सी क्वांटिटी उसके मुंह में डालनी है और उसको काफी देर तक मुंह में रखना है और अच्छी तरह से हिलाना है, ऐसे ऐसे करना है उसको अच्छी तरह से, इतनी देर मुंह में रखना है जब वो सलाइवा के साथ मिक्स होके अच्छी तरह डाइल्यूट हो जाए तो उसको मुंह से बाहर फेंक देना है। इससे काफी फायदा होता है, हफ्ते में एक या दो दफा आप ये प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। नंबर थ्री, फ्लॉस। सिर्फ टूथब्रश दांतों के लिए काफी नहीं होता, हमें फ्लॉस से यानी थ्रेड से जो डेंटल फ्लॉस आता है उसके जरिए दांतों की वो सरफेसेस को साफ करने में हेल्प होती है जहां तक टूथब्रश नहीं पहुंच सकता, जो दो दांतों के दरमियान की सरफेस होती है उसे फ्लॉस से साफ करना है। इसकी टेक्निक भी मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। नंबर फोर, रिंस एंड गार्गल, कि हमने पानी की कुल्ली करके भी अपने दांतों को साफ रखना है। बाहर अगर हम कहीं हैं, टूथब्रश से दूर हैं, घर से दूर हैं, तो हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, कोई भी जब हम बाहर कोई चीज़ खाते हैं उस टाइम हमारे पास टूथब्रश अवेलेबल नहीं होता, तो एटलीस्ट हमें पानी से अच्छी तरह से कुल्ली कर लेनी चाहिए जिससे हमारे दांतों के ऊपर लगी हुई खुराक जो है वो उतर जाए और उस पर बैक्टीरिया एक्ट करके हम खराब ना करें, हम कर सकें हमारे दांत। नंबर फाइव जो है वो पानी पीने से मुतल्लिक है। पानी जब भी पीना है तो बिल्कुल बड़े बड़े उसके सिप्स लेके बहुत ज़्यादा घटा घट करके नहीं पीना है, बल्कि उसको छोटे सिप्स में आराम आराम से पीना है। ये सुन्नत भी है और इससे हमारे दांतों को भी, इसकी क्लीनिंग में भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और इसके अलावा नीम गर्म पानी जो है सुबह के टाइम उठते ही सबसे पहले नीम गर्म पानी पीने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जनरल बॉडी को भी बहुत ज़्यादा इससे हेल्प होती है और बहुत से फायदे हैं जहाँ पे वहाँ पे दांतों के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इन फाइव हैबिट्स को अपनाएं, इंशाल्लाह दांत और मसूड़े आपके सेहतमंद रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।